क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया और शानदार मुकाबले में केकेआर को कुचल दिया। चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। अब इस जीत के साथ ही सबने देखा कि धोनी कितने बड़े कप्तान हैं, लेकिन यहीं पर इसी फाइनल मैच के बाद धोनी ने जो कहा जो किया वो तो उन्हें सबसे महानतम सबसे बड़ा कप्तान बना देता है। जी हां, धोनी ने अपना खिताब केकेआर को दे दिया। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी ने साफ साफ कहा कि इस जीत की हकदार असली कोलकाता की टीम है। केकेआर ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता और मैं ट्रॉफी ये टाइटल केकेआर को देता हूँ, जिसके बाद तो सभी हैरान हो गए, मैदान में लोग अचंभित हो गए। अब क्या हुआ मैच के बाद, धोनी ने क्या कहा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी बड़े दिल वाले धोनी के इस जेस्चर पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सीएसके की टीम ने बेहद शानदार स्कोर बनाया था, 192 रन का स्कोर कहीं से भी चेजेबल नहीं लग रहा था, मगर केकेआर के दोनों ही ओपनर्स ने तूफानी खेल दिखाया और अपनी टीम को जीत की तरफ आगे लेकर गए। मगर जैसे ही ओपनर वेंकटेश अय्यर आउट हुए तो उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और करीब करीब 16वें ओवर में ही केकेआर की हार पक्की हो गई और अंत में कोलकाता की टीम 27 रन से मैच भी हार गई। अब चेन्नई चौथी बार चैंपियन बनी थी, शानदार खेल सीएसके ने दिखाया था और माही के इंटरव्यू की बारी आई तो माही से हर्षा भोगले ने पूछा कि आपने कैसे इतना शानदार खेल करके दिखाया, तो महेंद्र सिंह धोनी ने हर्षा भोगले को रोक दिया, टोक दिया। जी हां, धोनी ने कहा कि सीएसके की बात बाद में करेंगे, पहले केकेआर की बात करेंगे, क्योंकि सीजन अगर कोई टीम आईपीएल का खिताब जीतने की हकदार है तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। जी हां, धोनी के इस जवाब से, माही के इस जवाब से पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। कहां तो लोग सुनना चाहते थे कि धोनी ने कैसे अपनी टीम को फिर से चैंपियन बनाया, और धोनी कह रहे थे कि केकेआर ने शानदार खेला। और धोनी यहीं पर नहीं रुके, धोनी ने आगे कहा कि पहले हाफ में केकेआर की टीम 7वें नंबर पर थी और यहाँ यूएई में आकर जो खेल कोलकाता की टीम ने दिखाया उसने मुझे जीत लिया, मेरे दिल को जीत लिया और मेरे लिए आज विनर केकेआर है और मैं चाहूंगा कि ये खिताब केकेआर के नाम कर दिया जाए, केकेआर ही इसकी असली हकदार है। अब तो मैदान में जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, क्योंकि धोनी की टीम जीती थी और खिताब जीतने के बाद हमेशा ही जीतने वाली टीम की बात होती है, जीतने वाले खिलाड़ियों की बात होती है, मगर यहाँ तो जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही न सिर्फ हारने वाली टीम की बात कर रहे थे बल्कि केकेआर की तारीफ भी कर रहे थे और केकेआर को ही खिताब तक देने की बात कर रहे थे। आगे देखिए, धोनी ने आगे कहा कि आईपीएल के बीच में जो ब्रेक मिला उसमें केकेआर ने शानदार काम किया, केकेआर के खिलाड़ियों ने, केकेआर के सपोर्ट स्टाफ ने बेहतरीन करके दिखाया और लगभग असंभव को संभव करके फाइनल में पहुंचे और भले ही हम जीत गए, लेकिन मेरे लिए इस सीजन के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, कोलकाता के खिलाड़ी है, उनका सपोर्ट स्टाफ है। अब धोनी जैसे दिग्गज के मुंह से बात सुनकर पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था, खुद केकेआर के कप्तान आयन मॉर्गन और कोच ब्रेंडन मैकलम भी तालियां बजाकर धोनी का स्वागत कर रहे थे। अब हालांकि इसके बाद धोनी ने अपने खिलाड़ियों की भी बात की और उनकी भी तारीफ की और कहा कि उनके पास कई सारे मैच विनर्स हैं और सभी ने अपने अपने मौके पर काम किया और टीम को जीत दिलाया, मगर धोनी ने जो तारीफ केकेआर की, जिस तरह से केकेआर को ट्रॉफी देने की बात कही, अपने लिए विनर को केकेआर ही बताया, वो कमाल था। और पूरी दुनिया में, जी हां, पूरी दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ हो रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा दिल सिर्फ धोनी ही दिखा सकते हैं, कि किसी और के बूते की बात नहीं। जहां आपको अपनी तारीफ करने का मौका मिला हो वहां पर आप दूसरे की तारीफ करते हो, ऐसा सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं और इसीलिए तो पूरी दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 40 साल की उम्र में अपनी टीम को खिताब जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि केकेआर असली विजेता है, केकेआर ने अच्छा खेला, और इतना बड़ा दिल दिखाने वाले धोनी को तो हमारा सलाम है। तो आज धोनी के जेस्चर पर हर तरफ तारीफ हो रही है, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और धोनी के इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
तो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के नए विजेता हैं। पिछले सीजन में जो टीम फिसड्डी साबित हुई थी, जिसे चुका हुआ कहा गया, जिसे बूढ़ों की टीम कहा गया, उसी टीम ने, उसी धोनी ने कमाल करके दिखाया और वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े खिताब आईपीएल पर कब्जा कर लिया। आईपीएल 2021 का खिताब धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। तो सीएसके की टीम को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। हालांकि चेन्नई की शुरुआत बहुत बुरी तो नहीं थी, लेकिन शुरुआत काफी धीमी थी। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसी ने विकेट नहीं होने दिया, मगर तेजी से रन भी नहीं बन पा रहे थे। ऋतुराज 32 रन बनाकर जैसे ही आउट हुए तो चेन्नई के लिए मोमेंटम आ गया। जी हां, पहला विकेट गिरने के बाद ही चेन्नई को मोमेंटम मिला, क्योंकि मैदान में आए रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने आते ही मैच पलट दिया, तूफानी पारी शुरू कर दी। उथप्पा ने एक के बाद एक 3 लंबे छक्के मार दिए और सिर्फ 15 बॉल में 31 रन ठोक दिए और चेन्नई की धीमी पारी को जबरदस्त रफ्तार दे डाली। अब उथप्पा के बाद दूसरी तरफ से फाफ डू प्लेसी ने भी लंबे शॉट्स लगाए और फाफ लगातार इस सीजन शानदार खेल रहे हैं और यहाँ फाइनल मैच में भी फाफ ने अपनी पूरी छाप छोड़ी। फाफ डू प्लेसी ने 59 गेंदों में 86 रन बनाए और चेन्नई के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे। वहीं चौथे नंबर पर आने वाले मोइन अली भी कहां पीछे रहते। मोइन ने भी अपने खास अंदाज में तूफानी बैटिंग की और सिर्फ 20 बॉल में 37 रन बना लिए। अब इन पहले चार बल्लेबाजों के प्रताप से ही धोनी की टीम ने 192 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और 193 रन का टारगेट केकेआर के सामने रखा। अब हालांकि टारगेट बहुत बड़ा था, लेकिन पिच पूरी तरह से अलग थी, बल्लेबाजों को मुफीद थी। अब केकेआर के लिए भी शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर ओपन करने आए और दोनों ही खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ शुरुआत शुरू कर दी। एक बार तो लगने लगा कि चेन्नई को यही दोनों खिलाड़ी हरा देंगे। दीपक चाहर के ओवर में वेंकटेश अय्यर ने 2 लगातार चौके मार दिए, तो वहीं उसके बाद जोश हेजलवुड को भी शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने चौके पे चौके मार दिए। हाल ये था कि पहले धोनी ने और फिर शार्दुल ने 2 कैच भी छोड़ दिए और खास तौर पर यहाँ पर वेंकटेश अय्यर इन कैच छूटने के बाद तूफानी अंदाज में बैटिंग करते रहे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही केकेआर का पहला विकेट आउट हुआ, फिर तो चेन्नई की चल पड़ी और धोनी की टीम ने फिर मैच में शिकंजा कस लिया। अनुभवी धोनी ने अपने गेंदबाजों से वही करवाया जो वो चाहते थे और केकेआर को हरा कर जीत की तरफ बढ़ते चले गए और मैच को अपने नाम कर लिया। अब इस जीत के बाद धोनी ने आईपीएल का चौथा खिताब अपने नाम कर लिया है। हालांकि धोनी की टीम 5 बार फाइनल हार भी चुकी है, मगर ये जीत खास थी क्योंकि ये जीत धोनी की कप्तानी में 40 साल की उम्र के बाद मिली है और इसीलिए इस जीत को, इस खिताब को सबसे बड़ा कहा जा रहा है। तो धोनी की इस बड़ी जीत पर, इस महाजीत पर, सीएसके की सबसे बड़ी जीत पर आपका क्या कहना है, धोनी की कप्तानी पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।